सिद्धू मूसेवाला का आखिरी वीडियो सामने आया। ये वीडियो उनकी मौत से ठीक 2 घंटे पहले का बताया गया। दावा यह है कि जब सिद्धू अपने घर से निकल रहे थे, उसी वक्त घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इसी वीडियो से पुलिस को सिद्धू की हत्या का एक अहम सुराग भी मिला और हत्या में शामिल एक शख्स की खबर भी मिली। वीडियो में सिद्धू की वही थार गाड़ी दिखी जिसमें हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया था। कुछ लड़कों का झुंड कार को घेरे दिखा, बिल्कुल ऐसे जैसे ये लड़के सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले हों और उनकी एक झलक पाना चाहते हों। ये पहले भी साफ हो चुका है कि सिद्धू उस दिन खुद ही गाड़ी चला रहे थे। कुछ लड़के जब इस गाड़ी में ड्राइवर से बात करते और उसके पास खड़े हुए दिखे तो ये साफ हो गया कि वो सिद्धू से ही बात कर रहे थे। लेकिन अचानक एक लड़का सिद्धू के साथ सेल्फी लेता दिखा, सफेद टी शर्ट, सिर पर बंधा सफेद रुमाल और छोटा कद। इसी लड़के को पुलिस इस हत्या की सबसे अहम कड़ी मान रही है। सिद्धू के दीवानों की तरह उनके घर के बाहर खड़ा ये लड़का उनका फैन नहीं था, बल्कि दावा यह है कि ये केकड़ा नाम का एक अपराधी है। पंजाब पुलिस की थ्योरी कहती है कि इसी हनी उर्फ केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया। यहां तक कि सिद्धू के घर से निकलने के बाद उसकी सटीक जानकारी भी हत्यारों को यही शख्स दे रहा था। पंजाब की मानसा पुलिस ने हनी को गिरफ्तार कर लिया है और माना जा रहा है कि उससे पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस संदीप केकड़ा को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सबसे अहम कड़ी मान रही है। दावा यह है कि पहले से योजना बनाकर संदीप सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने पहुंच गया था और सिद्धू की गाड़ी निकलने को का 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखने के बाद पुलिस को संदीप केकड़ा पर शक हो गया था और बाद में पुलिस को पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने की जानकारी उसने ही हमलावरों तक पहुंचाई थी। बल्कि यह भी बताया था कि सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ कार में नहीं जा रहे बल्कि अपनी थार गाड़ी में जा रहे हैं जिसे वो खुद चला रहे हैं। इसी शख्स ने हमलावरों को पूरी खबर दी थी कि सिद्धू के साथ कितने लोग हैं और गाड़ी सिद्धू खुद चला रहे हैं। इसीलिए पुलिस को उम्मीद है कि संदीप केकड़ा से पूछताछ के बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कामयाब हो जाएगी।